हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 3B से क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 9th की बुक से फ्रेंड्स RS अग्रवाल 15 नंबर क्वेश्चन तक, क्वेश्चन 1 से 15 तक इसके पहले हमने वीडियो में सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में 4a² - 9b² - 2a - 3b। 4a² को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 2a² - 9b² को हम लिख सकते हैं 3b² माइनस, हमने -2a - 3b से हमने -1 कॉमन ले लिया है। देन यहाँ पे बच गया है 2b + 2a + 3b। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं 2a² - 3b² a² - b² के फॉर्म में है। यहाँ पे a की जगह 2a है एंड b की जगह 3b है। मीन्स इसका एक्सपांशन हो जाएगा a + b * a - b, मीन्स 2a + b * 2a - b, -1 * 2a + 3b एज इट इज़ हो गया। देन अब हम देख रहे हैं इस पूरे टर्म में 2a + 3b हम कॉमन ले सकते हैं जो हमने लिया है। देन यहाँ पे बच गया है 2a - 3b - 1। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर 2a + 3b * 2a - 3b - 1। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है यहाँ पे a² - b² + 2bc - c². यहाँ पे फ्रेंड्स a² एज इट इज़ हमने लिखा है -1। इस पूरे टर्म में से हमने -1 कॉमन ले लिया है जिसे बच गया है यहाँ पे b² + 2bc में से हमने -1 कॉमन ले लिया। देन बच गया यहाँ पे माइनस का 2bc। ओके फ्रेंड्स, 2bc एज इट इज़ ही रहेगा। जब हमने प्लस से माइनस कॉमन ले लिया देन यहाँ पे बच गया है माइनस, एंड -c² से हमने -1 कॉमन ले लिया देन बच गया प्लस का c². ओके फ्रेंड्स, a² - 1 एज इट इज़ है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं b² - 2bc + c², इसका आंसर क्या हो जाएगा b - c² एज वी नो फ्रेंड्स a² - 2ab + b² क्या होता है a - b² इसी तरह ये b² - 2bc + c² क्या हो जाएगा फ्रेंड्स b - c². ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है a² - b - c². ओके फ्रेंड्स, मीन्स a² - b² के फॉर्म में है। a की जगह a है एंड b की जगह b - c है। देन इसका आंसर हो जाएगा a + b - c * a - b - c। इसे हम एक बार और सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स a + b - c। ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिए हैं, प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पे a - b - c, देन आंसर हो गया a + b - c * a - b + c। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा 17 नंबर क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इसके लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। गिवन है यहाँ पे 4a² - 4b² + 4a + 1। 4a² को हम लिख सकते हैं 2a² यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया है। इस 4a को हमने पहले लिख लिया एंड ब्रेक करके लिखा है, इसे हमने लिखा है +2 * 2a * 1। ओके फ्रेंड्स, +1 ये वाला 1 है एज इट इज़। -4b² को हमने लिख लिया 2b² ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे रीअरेंज भी किया है और ब्रेक करके भी लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं a² + 2ab + b² के फॉर्म में है ये। देन इसका आंसर हो जाता है a + b² यहाँ पे a की जगह 2a है एंड b की जगह 1 है। ओके फ्रेंड्स, देन हमारा इसका जो आंसर वो हो जाएगा 2a + 1² -2b² हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, देन a² - b² के फॉर्म में ये आ गया। इसका a की जगह है 2a + 1 एंड b की जगह है
टू बी, देन इसका एक्सपांशन हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स टू ए प्लस वन प्लस टू बी इंटू में टू ए प्लस वन माइनस टू बी। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। गिवन है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस नाइन सी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एस वी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, माइनस नाइन सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं थ्री सी का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, इसका ए की जगह है ए प्लस बी, बी की जगह है सी थ्री सी, देन इसका एक्सपांशन हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स ए प्लस बी प्लस थ्री सी इंटू में ए प्लस बी माइनस थ्री सी। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका आंसर 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। गिवन है यहाँ पे 108 ए स्क्वायर माइनस में 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं दोनों ही टर्म में 3 कॉमन है, उन्हें बाहर निकाल लिया, देन यहाँ पे बच गया 3 3 9 एंड 3 6 18, 36 ए स्क्वायर माइनस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर। 36 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, 3 इंटू में रहेगा, 3 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये ए की जगह है 6 ए, बी की जगह है बी माइनस सी, देन इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 6 ए प्लस बी माइनस सी इंटू में 6 ए माइनस बी माइनस सी। इसे एक बार हम फिर से फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे, ये जो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा इधर हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होंगे, बाकी इधर एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 इंटू 6 ए प्लस बी माइनस सी इंटू में 6 ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है ए प्लस बी क्यूब माइनस में ए माइनस में बी। ओके फ्रेंड्स, ए प्लस बी क्यूब एज इट इज़ हमने लिखा है, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है माइनस माइनस बी में से, देन यहाँ पे बच गया है ए प्लस बी। अब इस पूरे टर्म में से हम ए प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे, देन यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन को हम माइनस वन का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा फ्रेंड्स। ए प्लस बी इंटू में देन हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ए की जगह है यहाँ पे ए प्लस बी, बी की जगह है वन, देन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस वन इंटू में ए प्लस बी माइनस वन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हम देख रहे हैं ये क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है एंड माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह हो गया एक्स माइनस वाई एंड बी की जगह हो गया जेड, देन इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इस तीन टर्म्स में हम देख रहे हैं ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस में, इस तीन टर्म में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, देन यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए की जगह है एक्स प्लस वाई एंड बी की जगह ए माइनस बी, देन इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी इंटू में एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। इसे फ्रेंड्स एक बार हम सॉल्व और कर लेंगे, देन हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी इंटू में एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइडेंटिटी यहाँ सेम हमने यूज़ की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ए की जगह है एक्स प्लस वाई एंड बी की जगह है ए माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। 25 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 5 एक्स इंटू
वन टेनिस को हमने ये ब्रेक किया है, प्लस वन को हमने वन स्क्वायर लिख दिया है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। माइनस में 36 वाई स्क्वायर को हमने लिखा है 6 वाई का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab ओके प्लस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह है 5x एंड बी की जगह है 1 ओके फ्रेंड्स, एंड माइनस 6 वाई स्क्वायर है यहाँ पे। देन सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यहाँ पे ए की जगह है 5x माइनस 1 एंड बी की जगह है 6y। देन हमारा आंसर हो जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6y इंटू में 5x माइनस 1 माइनस 6y। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ गिवन है ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए माइनस बी यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है माइनस, इन दोनों टर्म में से यहाँ पे बच गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, माइनस में इधर हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन पूरे टर्म में से हम ए माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। देन हमने ले लिया, यहाँ पे बच गया है 1 माइनस में ए प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, इसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन हमें फाइनल आंसर मिलेगा ए माइनस बी इंटू में 1 माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एज इट इज़ है माइनस, इसको हमने ब्रेक किया है 2 इंटू ए इंटू 2c प्लस 4c स्क्वायर को हमने लिखा है 2c का होल स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स ए माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए की जगह है ए माइनस 2c, बी की जगह बी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, देन इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस 2c प्लस बी इंटू में ए माइनस 2c माइनस बी। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है यहाँ पे 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। 9 को हमने लिखा है 3 स्क्वायर, माइनस हमने कॉमन लिया, देन बच गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, देन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, देन 3 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 3 प्लस ए माइनस बी इंटू में 3 माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ की है, ए की जगह 3 था, बी की जगह ए माइनस बी था। देन फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3 प्लस ए माइनस बी इंटू 3 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ये दोनों टर्म्स से, हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5। इन दोनों टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5। देन इस पूरे टर्म में से हम x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन x माइनस 5 हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देन हमारा आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है फ्रेंड्स यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पे 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया अंदर, देन 1 माइनस, अब इस पूरे तीन टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे बच गया माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हमने एक बार रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देन 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
देन इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स वन प्लस ए माइनस बी इंटू में वन माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे हम एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेंगे जिससे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, देन हमें मिल जाएगा वन प्लस ए माइनस बी इंटू में वन माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर 29 नंबर क्वेश्चन से। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है 9a² प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b². 9a² को हमने लिखा 3a का होल स्क्वायर प्लस 6a हो जाएगा 2 इंटू 3a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देन हो जाएगा 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², देन इसका आंसर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह है 3a, b की जगह है 1। देन हमें यहाँ पे मिला है 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 6b का होल स्क्वायर, मीन्स a² माइनस b². ए की जगह है 3a प्लस 1, बी की जगह है 6b। इसका आंसर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स 3a प्लस 1 प्लस 6b इंटू में 3a प्लस 1 माइनस 6b। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।